हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा आपके दिलों में, जोश जगाता रहूंगा। हेलो। अरे भाई सतीश, क्या हुआ? सतीश बात कर रहे हो? हाँ मैं भाई, एक क्रेडिट का भी पेमेंट नहीं कर रहा भाई। हिला के दिया क्रेडिट कार्ड ही। कौन हेलो, सा क्रेडिट कार्ड? एक्सिस का क्रेडिट कार्ड भाई। एक्सिस का क्रेडिट कार्ड? यार मेरे ख्याल से पहले पहले भी बात हुई है क्या तुमसे? मेरी पहले बार अभी बात हो रही हैं? अभी बात हो रही भाई। अच्छा अभी बात हो रही है। एक्सिस का क्रेडिट कार्ड यार यूं नहीं करता, क्योंकि ना उसको पता नहीं क्यों देने का मन नहीं कर रहा। हाँ तो भाई, मेज खराब हो गई तो देने का मन कहाँ से करेगा? हाँ यही बात है, मैं बताना चाह रहा था लेकिन खुद ही अपने मुंह से बोल दिया तुमने। हाँ आपने वही है ना जो तू कह रहा था, 10% में लिखवा दो लेटर। नहीं मैंने 10% का तो मांगा ही नहीं एक्सिस का भाई। व्हाट्सएप पे चेक कर ले यार, व्हाट्सएप अगर नहीं चलाता हो तो यार। अच्छा व्हाट्सएप पे, अच्छा याद आ गया याद आ गया याद आ गया। क्या नाम है तुम्हारा? अरे क्या दिक्कत हो गई, क्या नाम है तुम्हारा? आई एम सॉरी, दैट्स नॉट अ वैलिड एक्सटेंशन, प्लीज ट्राई अगेन। याद आ गया ना? नाम क्या है, नाम क्या तुम्हारा? दीपक नाम है भाई, दीपक नाम है। अरे यार अच्छा, दीपक, दीपक नाम का मेरा एक मित्र था, बहुत अच्छा बंदा था। तो देखो दीपक नाम है, देखो कुछ फालतू वालतू की तो बात करेंगे नहीं, अपने ही लाइन के बंदे हो। इसका ना सेटलमेंट राइट ऑफ के बात कराएंगे यार। हाँ तो यूं बोल रहा भाई, कलेक्शन की नॉलेज है यार। अरे यार वही तो बोल रहा हूँ, अपने ही लाइन के बंदे हो तो। मैं कलेक्शन का नहीं हूँ लेकिन भाई। अरे रिकवरी के तो हो? अरे भाई मैं डायरेक्ट बैंक से हूँ मेरे भाई। डायरेक्ट बैंक से हो नहीं सकते तुम यार, डायरेक्ट बैंक से हो नहीं सकते, झूठ बोल रहे हो। अब ये सोचो मैंने कैसे पकड़ा। ये काम कर, एजेंसी का एड्रेस दे, एजेंसी में आके बात करता हूँ। आईडी कार्ड से याद और पता पता है तुम डायरेक्ट बैंक के क्यों नहीं हो? क्योंकि बैंक का जो बंदा, वही तो बता रहा हूँ, मेरी बात नहीं सुन रहे तुम। बैंक का जो बंदा होता है ना, वो कभी भाई का या मेरी बात सुन ऐसे नहीं बोलता, सर बोलता है सीधे, सर सर ऐसे करके बात करता है बैंक का बंदा। अच्छा यार तुम ऐसे तो बात कर ही नहीं रहे। सर सर बोल के भाई, नहीं नहीं मुझे इतना बता देना सतीश भाई, सर सर करके बात करो, सर सर करके पेमेंट हो जाती है। अरे दीपक भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो तुम्हारा बैंक वालों का तरीका होता है वो बता रहा हूँ भाई। मैं आईडी कार्ड के साथ आता तो ना भाई, मेरी टोनी ऐसी यार। अरे यार सही में दीपक भाई, अरे ये बताओ हरियाणा से हो? है हरियाणा से तो नहीं हो? अरे भाई मैं जहाँ से मर्जी हूँ, मैं यार मैं कह रहा हूँ मेरी टोनी ऐसी है। नहीं चलो ये तो नहीं है, कोई नहीं अपने ही लाइन के बंदे हो। मैं तुम्हारी लाइन का हूँ ही नहीं यार, मेरे को एक काम करना, एजेंसी का एड्रेस दे दे, मैं वही आ जाता हूँ तेरे पास। एजेंसी का एड्रेस यार देख लियो, मैं तुम्हारी लाइन का हूँ या कौन सी लाइन का हूँ पता लग जाएगा भाई। चलो कोई नहीं, एजेंसी में मिलना चाह रहे हो सीधे? हाँ यार मिलने ही आपसे। एजेंसी में काम करता था वो छोड़ दिया मैंने, अब एजेंसी में नहीं करता। हाँ तो कहाँ पे कर रहा है भाई, मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ। मैं तो अब बिजनेस संभाल रहा हूँ। किस चीज का बिजनेस? बिजनेस बिजनेस मेरी बड़ी सी शॉप है, ये फोन वगैरह की शॉप है, एक्सेसरीज। बिजनेस का एड्रेस दे दे भाई, मिल लेते हैं। अरे नहीं यार मुझे देखो तुम्हारे बात से ये लग रहा है तुम लफड़े वाले बंदे हो, लफड़ा करना नहीं, क्योंकि लफड़े मैंने बहुत करे हैं पहले, करे हैं लफड़े करता नहीं। अरे भाई मुझे लफड़ा नहीं करना ना भाई, अब तो डर भी रहा है यार। ऐसा ना डरने की बात तो, डरने की बात तो मेरे सर पे तमंचा रख दो तो भी नहीं डरूंगा, क्योंकि लफड़े मैंने तुमसे ज्यादा करे होंगे। लेकिन अब यार लड़ाई का ना मन भी बचते हैं भाई, हमसे ज्यादा लफड़े कर रखे हैं, अच्छी बात है यार। लेकिन हम लफड़ा करने थोड़ी आ रहे हैं भाई। नहीं लग रहा है लफड़ा कर रहे, मेरे बीवी बच्चे हैं तो यार थोड़ा सा ना लिए लगता है, सेफ्टी रखो यार। यू नंबर नहीं देगा तो वैसे निकाल लेंगे घर का नंबर यार। घर का नंबर निकाल लोगे अगर मान लो उधर ना मिले तो? अरे भाई कैसे नहीं मिलेगा भाई, सारी चीजें टूल्स होते बैंक के पास। अरे मुझे भी पता है, मैंने भी काम किया है टूल्स होते। कहना पता है तो, पता है तो तेरे को पता होना चाहिए भाई। तो भाई ठीक है, आप मुझे जो है ना ढूंढ लो भाई, ढूंढूंगा थोड़ी, बंदा अपने आप नंबर दे देगा तुम्हारा। अच्छा ठीक है दीपक भाई, जिससे भी बात करोगे तो मेरा बंदा, मतलब मेरा जो भी नंबर है वो निकाल लो और आके मुझसे बात करो, ठीक है? बाकी देखो बात ऐसे करो वैसे करो, राइट ऑफ तो बात दे भाई। भाई मैं क्या करूँ, एड्रेस पे मिलके बात हो रही है। मैं एड्रेस पे बात करता हूँ ना, मैं कॉल कॉल पे ज्यादा करता हूँ भाई।
तुझे नॉलेज ज्यादा ही है भाई, तू ऐसे नहीं समझेगा, मिलके बात करनी पड़ेगी। नहीं यार तुम देखो मुझे कितना ही समझाओगे तुम, अगर देखो मानते चलो तुम क्या समझा सकते हो अगर जान से ज्यादा। क्या करो यार तुम, मतलब क्रेडिट कार्ड यूज करके मतलब कलेक्शन के बंदे हो तो तुम्हें नॉलेज नहीं क्रेडिट कार्ड का, मतलब डिफॉल्ट कर रहे हो ना एक तरह का। नहीं मल्टीपल डेब्ट इस कारण से करना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा लोन हो गया, देने वाली कंडीशन नहीं रही। अब मान लो मेरे को महीने बोलते यार एक तरह से डिफॉल्ट ही कर रहा है मेरा भाई, और क्या कर रहा है डिफॉल्ट होगा। देखो महीने की भाई तू कलेक्शन का बंदा है, तुझे नॉलेज है सारी चीज की, लेकिन तू राइट ऑफ बैठ पर घूम जा रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई। अब राइट ऑफ का यू आ रहा है तो तब तक सेटल करना है, राइट ऑफ से लेना इस बार ही लेना पेमेंट। क्या तो कैसे लेना वो तो मेरे को आता है, वो तरीका भी मेरे को आता है भाई। ले लो राइट ऑफ से पहले भाई, राइट ऑफ से पहले ले लूंगा सर से, और बता सच में इसी मंथ लूंगा अभी। हाँ यार अगर तुमने इस मंथ ले लिया, लेना तुम ही है ना, बता देना दीपक नाम, ठीक है मान जाऊंगा यार कि तुम्हारे पास जो टूल है काम भी करते हैं, तुम आके ले जाओ। देख ले भाई देख ले, चैलेंज मत कर भाई, चैलेंज ही करता हूं यार मैं, मान जाऊंगा दीपक भाई कि यार दीपक नाम का बंदा था, उसने जिसने बात की थी वही लेना है यार। तो भाई कोई नहीं वेट कर ले भाई थोड़ा सा फिर, लेकिन हाँ लेना उसी तरीके जिस तरीके से सीधा एड्रेस पे मिलूंगा, सीधा ठीक है एड्रेस पे मिलूंगा सीधा, ठीक है आमने सामने बात होगी बैठ के। अरे चाय नाश्ता करवाएंगे, बोतलें खोलेंगे पेप्सी की आपके लिए भाई। अरे सही पेप्सी की बोतल पीने की नौबत ही नहीं आएगी यार। अच्छा चाय पियोगे? पीता ही नहीं यार, बाहर की चीजें नहीं पीता। अच्छा यार तो चलो कोई नहीं, मैं अपने घर में अपने हाथों से नींबू शरबत बनाऊंगा, ठीक है। हाँ ठीक है उसको फोन कर रही हूँ। लेडिप को कॉल कर रहे हो है? लेडिप को कॉल कर रहे हो क्या? नहीं यार तुम्हें थोड़ी कह रहा हूँ। अच्छा किसी और से कह रहे हो? हेलो हेलो बात कर रही मैडम, होगा 6 महीने बाद। छह महीने बाद टाइम लगेगा, लास्ट पेमेंट आपके 22 तारीख को हुई, उसको आपको पेमेंट नहीं हुई है। मैडम मैंने आपको कुछ बोला? नहीं सर। मैडम मैंने आपको टाइम बताया कुछ अभी बोला? तो बताइए ना पेमेंट कब होगा आपका? 6 आफ्टर 6 मंथ। आफ्टर 6 मंथ क्या सर? मैडम पैसा नहीं है ना आफ्टर 6 मंथ, थोड़ा टेंशन भी था। मैडम कैसी बात कर रहे हो, अथॉरिटी होती है आपको कस्टमर से? मैडम वही तो मैं कह रहा हूँ आपकी, मैं क्या बोल रहा हूँ आप मेरी क्यों नहीं सुनती हो? मैडम मैडम सुन तो लो कम से कम, बोले जा रही हो आप। मैडम आपकी एक अथॉरिटी होती है, आपका जो जॉब करवाना है उसमें कस्टमर, आप कस्टमर से ये नहीं कह सकते यूज क्यों किया, ठीक है? बोलो सर बोलो। यही तो बोलना था तो अंदर ही पूछना मत। तो सर अब मैं तो आपसे टोटल की मांग रही ना, आपसे मैं यही बोलूंगी 8000 पे कर दो। आप आपकी जॉब है, पैसे तो आप मांगोगे, लेकिन आप कस्टमर से ये नहीं पूछ सकती हैं उससे। सर आप खाना पीना नहीं खा रहे हो क्या? कार्ड तो यूज कर लिया, कार्ड यूज करने की लिमिट नहीं होती तो लेते क्यों? मैडम आप फिर वही अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। आप किसी कस्टमर से नहीं, क्या बताया मैडम, आप किसी कस्टमर से नहीं पूछ सकते कि आपने ले क्यों लिया, दे नहीं पाते ये नहीं कह सकते किसी कस्टमर से। दोस्तों आइए साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो रिकवरी एजेंसियां हैं, रिकवरी एजेंट हैं, या फिर यूं कहूं कि बैंक और NBFC हैं, जो हमारे अधिकारों को कुचलकर रिकवरी करते हैं, इनसे अपने अधिकार छीनते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।